स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग रितमिक डिफ्रेंशिएशन डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके पास एक स्पेशल टाइप का फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स की पावर वी एक्स ठीक है y इज इक्वल टू यू एक्स की पावर वी एक्स का हमने क्या करना है डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं लॉग ले रहे लॉग ले रहे हैं बोथ साइड तो आपके पास क्या बन जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू वी एक्स इन लॉग यू एक्स ये कैसे बना वी एक्स इंटू लॉग यू एक्स आपने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करी है लॉग की प्रॉपर्टी लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है एन इंटू लॉग एम होता है ठीक है ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके आपके पास लॉग वाई इज इक्वल टू क्या आ गया वी एक्स इंटू लॉग यू एक्स नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू क्या है आपके पास वी एक्स इंटू लॉग यू एक्स है तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा वी एक्स इंटू वन बाई यू एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ़ यू एक्स प्लस डेरीवेटिव ऑफ वी एक्स इंटू लॉग यू एक्स अब यहाँ पे आपने वाई को क्या करा राइट हैंड साइड पे लेके तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया वाई इंटू वी एक्स ओवर यू एक्स इंटू यू डैश एक्स प्लस वी डैश एक्स इंटू लॉग यू एक्स जो आपके पास यू एक्स और वी यू डैश एक्स एंड वी डैश एक्स है ये क्या है डेरीवेटिव ऑफ़ यू एक्स एंड डेरीवेटिव ऑफ वी एक्स है ठीक है यहाँ पे आप एक नोट भी लिखे क्या है द मेन पॉइंट टू बी नोटिड इन दिस मैथड इज़ दैट एफ एक्स एंड यू एक्स मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव एज अदरवाइज देर लॉगरिथमिंग आर नॉट डिफाइन क्योंकि आपका जो लॉग फंक्शन होता है ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होता है तो यहाँ पे आपके पास जो एफ एक्स और यू एक्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए पॉजिटिव फंक्शन होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्या है दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज नॉन एज लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन ठीक है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले एग्जाम्पल है आपके पास Differentiate अंडरूड एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्केयर प्लस फोर ओवर थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इसका डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं लेट वाई इज इक्वल टू अंडरूड एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्केयर प्लस फोर ओवर थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव ठीक है लॉग लिया both साइड तो क्या बन जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स स्क्र प्लस फोर माइनस लॉग थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव ये आपके पास कैसे बना यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं लॉग की यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है एन इंटू लॉग एम होता है सेकेंड प्रॉपर्टी लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन थर्ड प्रॉपर्टी लॉग एम ओवर एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन ठीक है तीनों प्रॉपर्टीज़ को यूज करके आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट हम क्या करें डेरिवेटिव तो लॉग वाई का डेरिवेटिव वन बाई वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू इन वन एक्स माइनस थ्री ये कैसे आया आपके पास log एक्स माइनस थ्री है उसका डेरिवेटिव करेंगे log एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव वन बाई एक्स माइनस थ्री ठीक है नेक्स्ट log एक्स स्केयर प्लस फोर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन बाय एक्स स्केयर प्लस फोर ठीक है लॉग के साथ जो वैल्यू लगी होती है वो पहले डिनोमिनेटर में जाती हैं इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन आता है ठीक है, है तो यहां पे लॉग क्या आएगा एक्स स्केयर प्लस फोर का डेरिवेटिव क्या होगा वन बाई एक्स स्केयर प्लस फोर इन टू ऑफ एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स स्केयर प्लस फोर का डेरिवेटिव क्या होगा टू एक्स तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा टू एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस फोर नेक्स्ट माइनस क्या आ रहा है माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर ओवर थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव ये कैसे आया आपके पास जो log थ्री एक्स स्केर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव है तो जो फंक्शन है वो पहले डिनोमिनेटर में गया इन टू डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन आएगा तो थ्री एक्स स्केर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव का डेरीवेटिव क्या होगा सिक्स एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव ठीक है अब वाई को आप क्या लेंगे राइट right हैंड साइड पर लेंगे ठीक है नेक्स्ट स्टेप ने आपने क्या करा वाई की वैल्यू भी डाल दी तो क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या गया वन बाई टू हंड्रेड एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्र प्लस फोर ओवर थ्री एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इंटू वन बाई एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर ओवर थ्री एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस फाइव ये आपके पास इसका डिफ्रेंशिएट हो गया ठीक है नेक्स्ट देखिए थर्टी वन एग्जाम्पल डिफ्रेंशिएट ए की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वियर ए इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट ए आपका क्या है कांस्टेंट है ठीक है आपने डेरिवेटिव करना है ए की पावर एक्स का तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं वाई इज इक्वल टू एक्स लेके चल रहे हैं ठीक है लॉग हम बहुत साइड लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स इन लॉग ए ठीक है यहाँ पे अब हमने डेरिवेटिव करा तो लॉग वाई का डेरिवेटिव वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन ठीक है साथ में लॉग ए पड़ा है तो आपके पास लॉग ए आ जाएगा ठीक है अब वाई को आप क्या कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे ले गए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग ए वाई की वैल्यू डाल दिया आपने तो क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए ये आपके पास ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव आ गया क्या होता है ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है नेक्स्ट देखिए थर्टी टू एग्जाम्पल डिफ्रेंशिएट एक्स की पावर साइन एक्स एक्स इज ग्रेटर देन जीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स आपको क्या गिवन है ग्रेटर देन जीरो गिवन है ठीक है एक्स की पावर साइन एक्स का आपने डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे हम वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स लिया लॉग लेंगे बोथ साइड तो क्या बन जाएगा लोग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करी है यहाँ पे तो लोग y इज इक्वल टू साइन अब डेरिवेटिव करेंगे लोग y का डेरिवेटिव वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लोग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स तो वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करा वाई को राइट हैंड साइड पर लेके गए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स वाई की वैल्यू डाल दी तो क्या बन गया एक्स की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स ओवर एक्स प्लस कोज एक्स लॉग एक्स ठीक है नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करा एक्स इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है एक्स की पावर साइन एक्स माइनस वन साइन एक्स प्लस एक्स की पावर साइन एक्स कॉज एक्स लॉग एक्स जो आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स लिखा हुआ था उसकी पावर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी ठीक है तो आपके पास क्या बन गया एक्स की पावर साइन एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस एक्स की पावर साइन एक्स इंटू कोज एक्स इंटू लॉग एक्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फाइन डी वाई बाई डी एक्स एफ वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर बी ए और ए की पावर बी ये आपका क्या है कॉन्स्टेंट है ठीक है आपको गिवन क्या है वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर बी ठीक है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं y की पावर x को क्या लिख रहा हूँ u लिख रहा हूँ और x की पावर y को हम क्या लिख रहे हैं v लिख रहे हैं और x की पावर x को क्या लिख रहे हैं w लिख रहे हैं ठीक है तो हमारे पास क्या बन गया u यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ए की पावर b अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ u v w क्या है फंक्शन ऑफ x है तो आपके पास क्या बन जाएगा du यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो कैसे है ए की पावर बी है ये आपका कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है अब हम क्या कर रहे हैं इसको सेपरेटली इसको सोल्व कर रहे हैं जैसे कि आपके पास यू क्या था यू इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स था इसको हम सोल्व करेंगे फिर हम वी को सोल्व करेंगे फिर हम डब्ल्यू को सोल्व करेंगे यू आपका क्या है यू इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स तो लॉग लिया बोथ साइड तो आपके पास क्या बन जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू एक्स इन लॉग वाई ठीक है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग u का डेरिवेटिव क्या आएगा वन बाई यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ लॉग y प्लस लॉग y इंटू डेरीवेटिव ऑफ x तो क्या बन गया x इंटू वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू वन तो आपके पास डी यू ओवर डी एक्स क्या आ गया इज इक्वल टू यू इंटू एक्स ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई ठीक है अब वाई यू की वैल्यू डाल दिया आपने यू की वैल्यू क्या है वाई की पावर एक्स इंटू एक्स और वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इसको हमने इक्वेशन नंबर टू दे दिया ठीक है नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे v को सोल्व करेंगे v आपका क्या है v इज इक्वल टू एक्स की पावर y ठीक है सेम लॉग लेंगे बहुत साइड तो लॉग v इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स डेरीवेटिव करा डेरीवेटिव अब आप सोल्व कर सकते हैं डेरीवेटिव सोल्व करा तो मेरे पास डी वी ओवर वह डी वी बाई डी एक्स क्या आ गया एक्स की पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे w इज इक्वल टू तो एक्स की पावर एक्स इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं लॉग लेंगे बो साइड उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर फोर आ रही है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू तो एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स इक्वेशन नंबर टू थ्री फोर को इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा वाई की पावर एक्स इंटू एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई प्लस एक्स की बावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स की बावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स अलग कर लेंगे और जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है उसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस वन प्लस एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स और एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स की पावर एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स